नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय, आप देख रहे हैं जीएन भारत। हमने आपको लगातार कवरेज हम आपको देते आ रहे हैं राज्य हिंसा के बारे में, और आज हम जानेंगे इस स्टोरी में, हम कुछ जनता का व्यू जानेंगे कि यहां पे मेन रोड में हमारे सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने आंखों देखी देखा है यहां पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और खास है ये हिंदू समुदाय के लोग हैं, और इनसे हम जानेंगे कि इनकी क्या राय है, क्योंकि कल मुसलमान समुदाय की राय क्या जानना है। उनका तो रवैया पत्थर के साथ उन्होंने जवाब दे ही दिया है, अब ये कैसे जवाब देते हैं आप बताइए। उन्होंने तो पत्थर के साथ जवाब दे दिया है, अब आप हिंदू समुदाय के लोग, आप लोग देखिए, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बैकस्टेप बोलिएगा या गलत रवैया बोलिएगा, जब गवर्नमेंट को पता था ये चीज़ कि ये सब सारा प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से फिक्स किया हुआ है, तो गवर्नमेंट को कम से कम अपना इंतज़ाम रखना चाहिए था। सुबह ही फोर्स उतार देना चाहिए था, 2 बजे आप फोर्स, आपको फ्लैग मार्च कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं हुआ। आपको सुबह से ही पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। आज क्या हुआ, गरीब जो है, सब सारा जो दिल्ली के खटने वाला आदमी है वो सफ़र कर रहा है, बिजनेसमैन सारा सफ़र कर रहा है, और जो कल जो देखने लायक जो माहौल था, मंदिर से क्या लेना देना था इस चीज़ को, दोनों मंदिर की हालत जाकर के देख लीजिए क्या पोजीशन पर ला के खड़ा कर दिया गया है। अभी जो इतना प्रशासन सख्ती में आई है, इंटरनेट बंद कर देना, कर्फ्यू लगा देना, आपको लगता है इतना दिमाग जो अभी चला रही है, पहले चला रही होती तो सिचुएशन कुछ और होता? एकदम, ये चीज़ पहले से इनको चलाना चाहिए था। प्रशासन अपना कार्रवाई किया है, लेकिन ये कार्रवाई उनको पहले से कर लेना चाहिए था। सुबह ही 5-6 बजे 8 बजे 10 बजे फोर्स पूरी तरह उतार करके अपने आप को अपना पूरा ये दिखाना चाहिए था। IPS ऑफिसर देश का सबसे प्रतिष्ठित पुलिस विभाग का नौकरी होता है और कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ खाते हैं, और इसमें सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है इनके ऊपर, जब IPS खुद घायल हो रहे हैं तो आप जनता क्या सोच रहे हैं? IPS को ये फेस करना पड़ा ना वहाँ जा करके, वहाँ पर हम लोग भी नहीं सोचे होते कि ऐसा ख़राब माहौल रहेगा। जब वहाँ पहुँचे, जब ग्राउंड जीरो में जब कोई वहाँ पहुँचा, तो देखने के बाद उनके ऊपर जब सारा पत्थरबाजी और फायरिंग वरिंग होने लगा, तो उसके बाद में उनको रिएक्शन करना ही था। फिर सुनने मारे ऊपर से थोड़ा हाथ बंधे हुए थे, इसलिए पुलिस जो है वो थोड़ा, ये ऊपर से ही पूरा हाथ बंधा हुआ है मैडम, ये ऊपर से ही हमारे नेता लोग ये नहीं दिए हैं उनको, नहीं तो आज ये माहौल नहीं रहता। आपको क्या लगता है, इसमें भी पॉलिटिक्स खेल गया क्या? एकदम पॉलिटिक्स चल रहा है, हाँ एकदम पॉलिटिक्स चल रहा है, पॉलिटिक्स एकदम इसमें भी चल रहा है। आपको लगता है हिंदू कम्युनिटी जो है, इनके देवी देवता के बारे में मजाक उड़ाया जाता था, मजाक उड़ाया गया अगर आप PK फिल्म की बात देखें तो, लेकिन हिंदू का तो ऐसा रिएक्शन नहीं आता है, इतना जो इनटॉलरेंस की भावना, इस पर क्या कहें? हिंदू में देखिए एकजुटता नहीं है मैडम, हिंदू आज के दिन में एकजुट हो जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। कल का ही अगर एक साथ अगर हिंदू एकजुट होकर खड़ा रहता तो माहौल ही आज और दूसरा रहता, दुरुप रहता। हिंदू का ही फॉर्च्यूनर और गाड़ी तोड़े गए करोड़ों, सारे गाड़ी जो हैं, सारे जी हैं, सारे आपके हिंदू को ही तोड़े गए। बिजनेसमैन थे एक, अब देखिए बिहार के भी एक कोई नेता उतारे हुए थे, उनका भी गाड़ी तोड़ा गया है, बहुत सारी गाड़ी टूटी है। लेकिन एक बात बताइए, इतना बड़ा दंगा हो जाता है, पुलिस आती है ग्राउंड में तब पता चलता है ये, यानी कि कोऑर्डिनेशन लेवल का कोई चीज़ नहीं है, यानी बहुत ढीला रवैया था यहाँ, कोऑर्डिनेशन एकदम कमी है मैडम। और सबसे बड़ा चीज़ है कि ये फैक्ट है कि ऊपर से ऑर्डर था नहीं लोग को कुछ करने का। एक बात बताइए, आप एक आम जनता के हिसाब से आपके दिल में क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हम लोग भी नहीं चाहते हैं, शांति से रहें, दोनों समुदाय शांति से रहे। आपको रिएक्शन करना था, आप अपना रोड पर शांतिपूर्ण तरीके से करते, ये क्या तरीका है बताइए, रोड पे आके पत्थरबाजी करके। बताइए कल एक लेडीज़ को, एक बेचारी बुढ़िया लेडीज़ को, उसको बहुत मारा गया है, बहुत मारा गया है। बताइए उसका क्या कसूर था, वो आज के दिन में रिम्स में मरने की स्थिति में पड़ी हुई है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे आप कहाँ के रहने वाले और क्या है? मैं यहाँ के दुकानदार हूँ, सरजना चौक का ही, हमारा एक डेयरी फॉर्म है यहाँ। मैं भी कल बहुत लाचारी देखा, बस हमारे हिंदू भाई लोग यहाँ एक जुटे थे, कुछ जुटे कुछ अपने घर चले गए दुकान बंद करके, वो लोग को यहाँ रहना चाहिए। और प्रशासन बहुत देर से आई, बहुत देर से वो लोग अपना तांडव करते रह गए, लेकिन प्रशासन की ओर देखते रह गए कुछ। जब वो बहुत ज़्यादा उपद्रव था, प्रशासन ने कुछ एक्शन लिया, जो एक्शन आज इतनी रात से ये देख रहे हैं, सुबह रह रहे, ये सब तो कल सुबह करना चाहिए। सारे लोग को मालूम था कि कल ये लोग जुटेंगे, इन्हें मस्जिद में जुटने ही नहीं देना चाहिए था, घर में नमाज अदा करने देना चाहिए,
कोविड में ये सब करवाते हैं, आप लोगों को सब मालूम रहता है, प्रशासन को सारा चीज मालूम था। एक मिनट, आपने कोविड का नाम लिया, मैं रुकूंगी। कोविड में हेमंत सोरेन जी ने, सीएम हेमंत सोरेन जी ने जगन्नाथ मेला लगने नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे जगन्नाथ मेला नहीं लगेगा, लेकिन नमाज के लिए इतना लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो ठीक है? वो यहाँ की सरकार उन लोग की ज़्यादा सुनती है, समुदाय की ज़्यादा सुनती है, कुछ कंप्लेन करो तो नहीं होता है, एक्शन नहीं होता है, वो लोग एक जगह जुट जाते हैं, तादाद हो जाते हैं, और हमारे लोग अपने इधर उधर तब कोविड नहीं है। वहाँ पर सब शुरू से ही आप देखिए रात्रि बाजार वो सब लगा रहता है, रात में सब खुले रहते हैं, सारा नियम कानून आपका इधर ही मेन रोड में है, आगे जाइए सारा खुला रहता है। प्रशासन का काम केवल बस हेलमेट चेकिंग, गाड़ी चेकिंग ये सब रहता है, कहाँ क्राइम हो रहा है उस पर नहीं जाना है, यही सब लगा हुआ है प्रशासन की। कुछ है लापरवाही, अब कुछ आदेश नहीं रहता है, कुछ पीछे रह जाते हैं प्रशासन के पॉलिटिक्स में, पिस तो जनता रही है। हाँ, वो पब्लिक तो ऐसे ही लाचार हो जाते हैं, देखते रहते हैं और कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जी, हमारे साथ कुछ और भी जनता मौजूद है जो अपना व्यू देना चाह रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप सुबह सुबह ब्रेड लेकर निकले हुए हैं, मन में थोड़ा डर था आज कर्फ्यू है? हाँ, डर तो हल्का था ही। हाँ, तो कल जो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो मेन रोड का ही रहने वाले हैं। कल जो हादसा देखिए, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, उधर से तो काफ़ी बड़ा बड़ा पत्थर फेंक रहा था, वहाँ खड़ा थे, काफ़ी लोग फेंक रहा था उसमें, जिसमें कि आईपीएस अफसर, पुलिस अधिकारी सब भागने लग गए हैं। उन लोगों को भी क्या मालूम है किस तरह का प्लानिंग करेगा। ठेला में उन लोग क्या है ना, रातों रात सब पत्थर रखे हुए थे ठेला में। ठेला में पत्थर था जमा करके रखे हुए थे मंदिर के पीछे, और काली मंदिर में भी तो पूरा प्रसादी वाले लोगों को पूरा फेंक दिया। अच्छा। पूरा फेंक दिया, वहाँ भी एक लड़का बीच बचाव में गया तो उसको भी माथा पूरा फूट गया। आप क्या कहना चाहेंगे इन सब बारे में, आपको कैसा लग रहा है, आपको लगता है कि प्रशासन की कमी थी, और साथ ही आप समाज को क्या कहना चाहेंगे? समाज को देखिए, हम लोग का हिंदू में क्या है ना, थोड़ा कमी है, एकता नहीं है, सब लोग इसे देख के भाग जाते हैं, और हिंदू में उतना कट्टरपंथी नहीं है, हिंदू बहुत धीरज स्वभाव का है, वो गलत काम नहीं कर सकते हैं। इन लोग क्या कट्टरपंथी है, अगर मुस्लिम इलाका में अगर हम चल जाते हैं ना, इस तरह घटना होगा तो हमको बिना मारे हमको उधर आने नहीं देगा, लेकिन कल दो मुस्लिम इधर गया तो लोग हिंदू लोग छोड़ा के उसको भेज दिए। हिंदू में दया है, उसमें दया नहीं है। तो आपने सुना, हमने इतनी जनता से बात की, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम हिंदू थोड़ा दयावान है। खैर, वो हम हिंदू मुसलमान पोता नहीं जाएंगे, लेकिन कल जो रांची में घटना हुई इस पर इन लोगों का साफ कहना है, और आंखों देखी, चूंकि ये सर्जना चौक के जो दुकानदार से हमने बात की, मेन रोड के निवासी है ये रहने वाले, इन लोगों ने साफ तौर पर करके कि पुलिस जो है वो बहुत लाचार नजर आई। ऊपर लेवल से मान लीजिए, ये कुछ कहना चाहते हैं, ऊपर लेवल से उनको सपोर्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे वो भी? जी हाँ, ये साफ तौर पर कह रहे हैं, चूंकि यहाँ के निवासी है तो इनकी बातों को सुना जा सकता है कि ऊपर से सपोर्ट नहीं हो, जैसा हमने आपको बार बार कहा है कि पुलिस प्रशासन के हाथ जो है थोड़े बंधे हुए थे, इस वजह से वो फौरन एक्शन नहीं ले पा रही थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना बड़ा दंगा हो जाता है, आईपीएस बड़े प्रशासन आते हैं, देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि अरे हो क्या रहा है। जब इतना बड़ा दंगा हो रहा है तो उनको तो पूरे बल के साथ पहले से रहना चाहिए था। आप सिर्फ वेट करते रहे कि ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा, ये ऊपर वाला कौन है, वो लोग तो पॉलिटिक्स खेल रहे, लेकिन इस पॉलिटिक्स में जो तबाह हो रहा है वो आम जनता हो रहे। आपने जैसा सुना है क्या कहा इन्होंने कि एक बूढ़ी औरत थी, इनको खूब मारा गया, खूब पीटा गया, उसका क्या कसूर था? लेकिन उसके बावजूद आज रिम्स में मौत का घाट वो उतरेगी, वेंटिलेटर पर है, भगवान जाने आगे क्या होगा। लेकिन यही हालत अभी कोई मुसलमान के साथ होता तो क्या पता पूरा मेन रोड जल के राख हो जाता। खैर, जो भी है, हम जजमेंटल नहीं होंगे, हमारा काम है सिर्फ खबर दिखाना, हमने दिखाया आपको जनता का व्यू क्या है। इसके अलावा हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मेन रोड का भी स्थिति क्या है, मंदिर की स्थिति क्या है। आप बने रहे जीएन भारत के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।